नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सागरीय जल द्वारा निर्मित निक्षेपणकृत स्थलाकृति के बारे में स्टडी करेंगे। देखेंगे कि डिपोजिशनल लैंडमार्क्स सी वाटर के द्वारा किस प्रकार से निर्मित होता है, उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से धाराओं और लहरों का योगदान है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, सागरीय तट के पास यानी तटीय क्लिफ के पास हम लोग अध्ययन किए हैं कि तरंग घर्षित वेदिका होता है, जिसे हम लोग वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म एक अपरदन क्रीक के प्लेटफॉर्म है, अपरदन से ये बनता है, और जहाँ पर तरंग घर्षित वेदिका समाप्त होता है वहीं से निक्षेपणकृत स्थलाकृतियाँ शुरू होती हैं। यद्यपि कुछ निक्षेपणकृत स्थलाकृतियाँ तरंग घर्षक वेदिका के लोअर पोर्शन में भी दिखती हैं और अपर पोर्शन में भी दिखती हैं। तो पुलिंग का निर्माण, बीच का निर्माण, पुलिंग का मतलब इंग्लिश में बीच कहते हैं, जो कि व्यावहारिक शब्द बीच ही है। समुद्र के किनारे बीच होता है, हम लोग जानते हैं, बीच पर हम लोग गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो हम लोग ये इसी शब्द से वाकिफ हैं। बिहेवियर का वर्ड बीच है, पुलिन इसका हिंदी में नाम है, जो कि लोग बहुत कमी लोग यूज करते हैं, पुलिन बीच को कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सागर के तट के पास यानी उसके किनारा जो होता है, बैकशोर, फोरशोर और ऑफशोर, पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा और सुदूर किनारा, इन जगहों पर निक्षेपणकृत स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का मध्य क्षेत्र होता है वहाँ पर बीच का निर्माण होता है, और केवल यहीं तक नहीं होता बल्कि वह सुदूर किनारा यानी ऑफशोर तक निक्षेपण होता है, यानी तट से कई सौ किलोमीटर दूर तक बीच का एरिया होता है, यानी वहाँ तक निक्षेपण स्थलाकृतियाँ दिखेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जितना दूर तक हम लोग बालू देख लिए तट के किनारे तो समझ गए कितना ही बीच है। बीच का बहुत सारा एरिया सागर के अंदर भी होता है, वेव कट प्लेटफॉर्म से आगे तक के बीच का एरिया होता है, तो ये हम लोग देख पाए, जान पाए थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि बीच के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान जिसका होता है उसमें लिटरल करेंट यानी लॉन्ग शोर करेंट, जिसको हिंदी में बेलेचली धारा कहते हैं, मुख्य रूप से इसी का योगदान होता है। बेलेचली धारा तट के समानांतर, तट से लहरें आती हैं टकरा कर तट के समानांतर जो प्रवाहित होती हैं उसे बेलेचली धारा कहते हैं, और ये बेलेचली धारा एक एरिया में तट के समानांतर प्रवाहित होती हैं और अपने प्रवाह के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, बीच का निर्माण करती हैं और उस बीच के साथ अन्य भी तमाम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो जिसको हम लोग स्टडी आगे करेंगे ये हम लोग देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि रिपल करेंट यानी तरंगिका जो तट से टकरा कर सतह पर वापस जाती है, रिपल करेंट जिसको हम लोग कहते हैं या रिप करेंट कहते हैं, या अंडरटो अधः प्रवाह, ये मुख्य रूप से अपरदन में योगदान करती हैं, पर निक्षेपण में भी इनका योगदान है। ऐसा नहीं है कि निक्षेपण में हम लोग अंडरटो या रिप करेंट को बिल्कुल अलग करते हैं, ऐसा नहीं, इससे भी निक्षेपण होता है। तो हम लोग निक्षेपण में अंडरटो को देख रहे हैं, उनका भी योगदान है, रिप करेंट का भी योगदान है, लिटरल करेंट का भी योगदान है, तो योगदान है निक्षेपण पे असला। अब हम लोग इन चीज़ों को समझ लिए कि मुख्य रूप से कौन कौन से धारा या लहरों का योगदान होता है निक्षेपणकृत स्थलाकृतियों में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कभी कभी सडनली स्टॉर्म आने से, आंधी पानी जो सी वाटर्स है उसमें स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, जिससे कि पानी काफ़ी ऊंचाई तक उठ गया, उससे भी आप देखेंगे निक्षेपण के स्थलाकृतियों का निर्माण। तो
अब हम लोगों ने प्रोसेस को पकड़ा, हम लोगों ने जान लिया कि लिटरल करंट का योगदान है, रिप करंट का योगदान है, अंडरटो का योगदान है, स्टॉल में एजेंट दिख रहे हैं डिपोजिशंस के लिए, तो ये सब एजेंट्स हैं, ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब जरा सा देखिए बीच क्या होता है। तो बीच यानी पुलिंग का निर्माण जहाँ तक सवाल है, तो ये तरंग भर्ती वेदिका पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य बालू कंकड़ पत्थर आदि के निक्षेप से ही बीच का निर्माण होता है। बोल्डर जिसको हम लोग ग्रेवल्स सैंड इन सबों के निक्षेप से हम लोग जानते हैं बीच का निर्माण होता है, जिसमें हम लोगों ने पकड़ भी लिया कि लेटरल करंट का मुख्य रूप से योगदान है। तो इस तरह से बीच कोई परमानेंट नहीं होती, यानी बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक बार बन गया तो बन गया, बीच में लगातार सदैव परिवर्तन होता है, ये चेंजेबल लैंडफॉर्म्स है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि समुद्र के किनारे तट के बाद तरंग भर्ती वेदिका के आगे हम लोगों को बीच मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि वह बैक शोर से लेकर ऑफ शोर तक बीच का निर्माण मिले, तो ये भी है। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग ये नहीं कर सकते कि यहाँ से अपरदन खत्म हो रहा है और यहाँ से नीचे कौन शुरू हो गया, ये एक आपको कॉम्प्लेक्स इवेंट है। तो इस प्रकार से एक जटिल प्रक्रिया है बीच का बनना, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त देखेंगे नदियाँ भी अपने साथ मलबा को जो बहा कर लाती हैं वहाँ बीच का निर्माण में उनका भी योगदान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बीच का निर्माण देख पा रहे हैं। अब जरा सा बीच में आप देखेंगे बहुत तरह के बीच होते हैं, बीच का निर्माण में कई फैक्टर्स का योगदान है। जैसे एक मान लीजिए तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आने से क्या करेगा, जो सागरवर्ती भाग है वहाँ का मलबा उठाकर बहुत पीछे तक यानी तट के तरफ ले गया, यानी तूफान आया, सागर का पानी तूफान लेकर आया, वहाँ से मलबा को उठाकर तट के तरफ निक्षेपित कर दिया। तट के तरफ निक्षेपित करने का मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि वह बैक शोर पर ले जाकर मलबा का डिपोजिशन कर दिया, डेब्रिस का डिपोजिशन कर दिया, जमा कर दिया। कभी कभी ये क्या होता है, जो उच्च ज्वार जहाँ बैक शोर पर पहुँचती हैं उससे भी ऊपर तक उसकी और ज़्यादा ऊंचाई मलबा का हो जाता है। इसी को हम लोग तूफान पुलिन भी कहते हैं, स्टॉर्म बीच भी कहते हैं। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि बैक शोर पर जितनी ऊंचाई होती है उससे भी कहीं ज़्यादा तूफान के द्वारा, समुद्री तूफान के द्वारा मलबा का ऊंचाई तक नीचे हो गया, यानी बैक शोर से भी वो थोड़ा ऊँचा ही आपको दिख रहा है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये क्लिप पोर्शन है, ये क्लिप है, कोस्टल क्लिप है, क्लिप के आगे तटीय क्लिप के आगे स्टॉर्म बीच बन गया है, पूरा बैकशोर पर तूफान ने लाकर मलबा को डिपोजिट कर दिया और इस प्रकार से तूफान पुलिन का निर्माण हो गया। तूफान पुलिन में कभी आप लेडर टाइप का भी देखेंगे, सीढ़ी स्टेप टाइप का भी देखेंगे, जिसको हम लोग बर्न कर लेते हैं, तो सीढ़ी टाइप का कभी कभी तूफान पुलिन से दिख रहा है, स्टेप टाइप का, लैडर टाइप का, उसको हम लोग बर्न कर लेते हैं। तो ये हम लोग तूफान के द्वारा भी देख रहे हैं कि तूफान सागरवर्ती मलबा को लाकर तट के तरफ निक्षेपित कर देता है और ये बैक शोर से भी थोड़ा ऊँचा हो जाता है, यानी जो पृष्ठ किनारा थोड़ा ऊंचा होता ही है जहाँ पर कुछ ज्वार लहरें पहुँच पाती हैं उस पर ये मलबा नीचे भी उससे भी थोड़ा सा ऊंचा ही हो जाता है, जिसको हम लोग तूफान पुलिन, स्टॉर्म पुलिन कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं कस्ट पुलिन का, CUST कस्ट पुलिन। तो कस्ट पे बीच क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये भी आप देखेंगे लिटरल करंट का भी इसमें योगदान है। जो
बड़े बड़े बोल्डर हैं, ग्रेवल हैं, सैंड हैं। यदि तरंग भर्तित वेदिका के आगे या अग्रिम किनारा वगैरह पर आप देखेंगे, जब ये एक टीला के रूप में ग्रेवल बोल्डर जमा हो जाए, टीला ऐसा बना हुआ है, टीला के रूप में जमा हो जाए, तो ऐसे पुलीन को कस पुलीन कहते हैं। यानी कस पुलीन ग्रेवल बोल्डर सैंड का तटीय यानी किनारा वाले हिस्से पर, किनारे वाले हिस्से पर, जिसमें हम लोग अग्रिम किनारे या सुदूर किनारा तक भी ये हो सकता है, टीला टाइप का जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे कस पुलीन का निर्माण। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये कोई पॉमानेंट नहीं, चेंज होता रहता है। तूफान पुलीन को आप कोई ऐसा नहीं मान लीजिए कि वो पॉमानेंट एक बन गया तो है। फिर वहाँ पर सागरीय लहरें आएंगी, तूफान पुलीन का कटाव भी करेंगे, इसीलिए वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, पॉमानेंट नहीं होता है, और अल्पकालिक भी होता है, ये फॉर्मल भी होता है। तो ये बात है, बस पुलीन हम लोग समझता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कभी कभी बीच रीज भी बन जाता है, बीच रीज पुलीन कटक जिसको हम लोग कहते हैं, या पुलीन कूट हिंदी में कहते हैं। तो ये देखेंगे बालू वगैरह आप देखेंगे आगे की तरफ निकला हुआ एक रीज बन जाता है, नैरो माउंटेन जैसा दिखता है, सकरा एक टीला के रूप में दिखता है, जो कि सागरवर्ती भाग की तरफ बढ़ा हुआ होता है, जो सुदूर किनारा यानी फोर शोर के तरफ हम लोग सॉरी ऑफ शोर के तरफ देखेंगे तो वहाँ तक के निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग पुलीन रीज कहते, बीच रीज कहते। ये हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे संयमिका पुलीन, जिसको हम लोग बे हेड या पॉकेट बीचेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि दो एक ऐसा प्रकार का निकला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच जो है, जो ये सेक्शंस निकले हुए हैं उन खाड़ियों के सिरे को जोड़ देगा। यहाँ पर आपको ऐसे जोड़ा हुआ टाइप का मिलेगा, इसको जोड़ दिया यहाँ पर ऐसे ऐसे, आपको चंद्राकार टाइप का मलबा हुआ डिपोजिट हो गया। तो इससे भी आपको संयुमे या उसको हम लोग पॉकेट बीचेज भी कह देते हैं या बे हेड भी कह देते हैं। तो ये देखेंगे खाड़ियों या कटानों के सिरे पर, खाड़ी या कटान के सिरे पर, या कटान टाइप का हो, जैसे एक तरह से खाड़ी हो गया और यहाँ पर एक मलवा चंद्राकार रूप में जोड़ने के प्रक्रम में भी आगे रह गए, जोड़ने का प्रयास कर, धीरे धीरे इंग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह के पुलीन को हम लोग संयमिका पुलीन कहते हैं। तो यानी खाड़ी या कटानों के सिरे पर रेत का एक छोटा चंद्राकार रूप बन जाता है, इसको हम लोग संयमिका पुलीन कहते हैं। तो ये हम लोग जान गए। गुलाबी पुलीन क्या होता है, गुलाबी पुलीन पुलीन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखेंगे कि प्रवाल कोरल समुद्री जीव है। हम लोग बहुत सारा कोरल के बारे में जानते हैं कि कई आइलैंड ही प्रवाल से बने होते हैं, पुलीन से बने होते हैं, सॉरी कोरल से बने होते हैं। जैसे हम लोग का लक्षद्वीप ही कोरल आइलैंड है। तो समुद्री जीव कोरल तथा अन्य समुद्री जीवों के हड्डियों वगैरह का निक्षेप होकर पुलीन बन जाता है, तो ऐसे पुलीन को गुलाबी पुलीन कहते हैं। गुलाबी टाइप का वो दिखता है, रोजी दिखता है, रोजी बीच। इसी प्रकार से रोधी पुलीन क्या होता है, जिसको हम लोग बैरियर बीच कहते हैं। तो ये आप देखेंगे कि तटों के समानांतर एक बैरियर के रूप में जमा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये तट है, तट के समानांतर एक आपको बैरियर टाइप का बैरियर टाइप का आगे दिख गया, रोधिका टाइप का, रोक टाइप का, वहाँ पर बालू रूप जमा हो गया तट के समानांतर। तो वहाँ पर हम लोग कई तरह के पुलीन को
रोधी कुलीन हम लोग कहते हैं या बैरियर रीच कहते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पर बैरियर रीच बहुत ज़्यादा आपको मिले। इंडिया में बहुत सारे बीच हैं, उन सबों का नाम कभी कभी प्रीलिम्स में आपको आता रहता है। जैसे पुरी के देखेंगे, पुरी का पुलीन का नाम भी है पुरी पुलीन। इसी प्रकार से मेरीना पुलीन यानी मेरीना बीच चेन्नई में है। इसी प्रकार से गोवा का हम लोग अगर देखें गोवा के पुलीन का नाम तो कोलवा पुलीन, कलंगूट पुलीन, अंजना पुलीन, तो बहुत सारे पुलीन मिलेंगे आपको। इसी प्रकार से मुंबई का जुहू पुलीन, जुहू बीच फेमस बीचेज हैं इंडिया के लिए, तो इस तरह से बीचेज का भी नाम हम लोग को फिल्म से कुछ आते हैं, बीच बनते हैं। बीच में ही आप देख लीजिए बैरियर बीच बनते हैं तट के सामानांतर सागरीय जल में बालू के निक्षेपित होने से एक टीला टाइप का या थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग दिखेगा, जिसको हम लोग बैरियर कहते हैं, रोधिका टाइप का बीच बन जाता है। तो इस प्रकार से बीच में भी देख रहे हैं कि कई प्रकार का बीचेज हैं। कोई तूफान के द्वारा बन गया तो तूफान कुलीन हो गया, कोई टीला के रूप में एक सीरीज दिख रहा है टीला का तो कस कुलीन हो गया। कभी कभी सैंड का ही आप देखेंगे लहरदार रूप में सैंड का ऐसे ऐसे लहर टाइप का दिख रहा है बीचेज पर, तो वो हम लोगों को सैंड रिपल कह लेते हैं, उसको रेत भूमिका कह देते हैं। कभी कभी बालू ही ऐसे लाइन लाइन का सीधा ऐसे 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 लगता है कि खेत जोत दिया गया है तो रंगल टाइप का हो गया, और यही आपको कहीं रोध टाइप का रुकावट टाइप का मिल गया तो यही आपका क्या हो गया बैरियर हो गया, बैरियर बीच हो गया। प्रवाल वगैरह से मिल गया जमा होकर हड्डी से तो वो आपका क्या हो गया गुलाबी पुलीन बन गया। तो इस तरह से हम लोग बीच के निर्माण में लेटरल करेंट का बहुत ही योगदान है, जिसमें रिपल करेंट और अंडरटो भी भाग लेते हैं। हालांकि अंडरटो और रिपल ज़्यादातर अपरदन में भाग लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनसे नीचे पड़ नहीं होता, इनसे भी और कुछ हद तक होता है। अब आइए हम लोग बार्स एंड बैरियर को समझें। बार्स क्या होता है? बार्स का मतलब होता है रोधिका, बैरियर का मतलब होता है रोध। दोनों में अंतर क्या है, रोधिका और रोध में क्या अंतर है, तो देखेंगे कि जब हाई टाइड आता है तो जो बार्स होते हैं यानी जो रोधिका होता है वो डूब जाता है, जबकि रोध यानी रुकावट कभी भी नहीं डूबते हाई टाइड से आने से, तो वो प्रायः नहीं डूबते। ये हम लोगों को पता चल गया बार्स और बैरियर का अंतर। और ये क्या होते हैं, सुदूर किनारे पर आप देखेंगे बालू ग्रेवल के जम जाने से ही इन बार्स एंड बैरियर का निर्माण, तो ये हम लोग जानेंगे। कभी कभी हम लोग अपरदन माला में भी पढ़े थे कि कोमल सेल के हट जाने से अंडाकार कटान हो जाता है, लघु निवेशिका बन जाता है, वहाँ हम लोग ने पढ़ा था। और उससे जो कठोर चट्टान आगे निकले हुए होते हैं वह स्पीट वगैरह कहलाते थे, तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ऑफशोर बार निक्षेपण के द्वारा बनता है, यहाँ बालू वगैरह से जमा होकर आगे, जैसे मान लीजिए ये सिया हो गया, सिया के आगे मतलब तट से थोड़ा सा आगे निकल कर बालू वगैरह जम कर जो बैरियर बीचेज हैं वही आपको आगे आपको बैरियर के रूप में दिखेगा, यानी उसको हम लोग रोधिका कहते हैं, जिसको हम लोग तट से चूंकि दूर बना है तो इसको हम लोग अपतट रोधिका या ऑफशोर बैरियर कहते हैं। यानी ऑफशोर बैरियर तट से दूर यानी सुदूर किनारे पर बालू ग्रेवल्स, सैंड ग्रेवल्स, इन सबों के निक्षेप से बनता है। और इस पर इसका भी योगदान बेलेंचली धारा का है। तरंग भर्ती वेदिका पर मलबा के निक्षेपण होने से
फटक बन जाता है, रीज बन जाता है, जिसको हम लोग ऑफशोर बार कहते हैं। इसको हम लोग ऑफशोर बार भी कहते हैं। तट से दूर है, अब तट रोधी रोध हम लोग कहते हैं। रोधिका भी छोटा साइज में रहेगा, हाइट कम है तो रोधिका है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आपका रोधिका के बारे में पढ़ लिए, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड को संलग्न भित्तियां भी कहते हैं। देखिए ये तट से लगा हुआ भाग है, तट से बेलेंचली धारा बालू वगैरह को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। आगे की तरफ बढ़ाने से, आगे की तरफ जमा देने से, यानी डिपोजिट कर देने से, ये आगे भाग बढ़ जाता है तट से, जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं। तो स्पीड भी हम लोग को समझ में आ गया, स्पीड क्या होता है। स्पीड हम लोग को समझ में आ गया। स्पीड का निर्माण करने में मुख्य रूप से, इसको स्पीड का मतलब हिंदी में स्पीड का मतलब संलग्न भित्ति है। तो एक प्रकार से संलग्न है, रीफ है, कनेक्टिंग रीफ्स है, इसी को हम लोग स्पीड कह देते हैं। और इसका निर्माण में बेलेंचली धारा का, लॉन्ग शोर करेंट का ज़्यादा योगदान है। यही स्पीड स्पीड जब आगे बढ़ जाता है, जैसे बेलेंचली धारा उसको आगे बढ़ा रहा है, और कुछ अन्य दूसरी करेंट या कोई वेव्स इसके डायरेक्शन को थोड़ा घुमा दे, तो यही स्पीड देखेंगे हुक्स में बदल जाएगा। उसमें आप देखेंगे स्पीड को ऐसे बेलेंचली धारा आगे बढ़ा रहा था, कुछ अन्य सागरीय लहरें जो सब से टूट के आ रही हैं, इसका डायरेक्शन घुमा दे, तो इससे मिक्स्ड आपको हुक दिखने लगे, जिसको हम लोग अंकुश भी कहते हैं। यानी स्पीड ही थोड़ा बेंड हो गया, झुक गया सागर में, और बालू के द्वारा दूसरे डायरेक्शन में निक्षेपित हो गया, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, तो वो हुक दिखने लगा। और यही इसमें जब एक से अधिक बेंडिंग दिखने लगे, एक स्पीड में एक से अधिक टाइप का बेंड दिखे, झुका हुआ दिखे, जैसे इसमें चित्र में दिख रहा है, तो यही क्या हो जाता है, मिक्स्ड हुक हो जाता है। तो मिक्स्ड हुक भी समझ पाए, स्पीड हम लोग समझ पाए। सब देखिए बेस वही है, बालू का डिपोजिशन सुदूर किनारा या समुद्री भाग में हो रहा है। तो ये हम लोग को अंकुश भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लूप पर या छल्ला पर, यहाँ पर मैंने बनाया है। अब देखिए जो यहाँ हुक आगे बढ़ा था, हुक का डायरेक्शन फिर तट के तरफ जाए, तट के तरफ जाए, तो वहाँ पर आप देखेंगे तट के तरफ वापसी जाने पर ये अगर जुड़ रहा है या जुड़ने का प्रोसेस में है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लूप कर देते हैं, जिसमें सागर का जल कभी कभी मेन समुद्र से, मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है, जिसे लैगून भी निर्माण होने लगते हैं। तो लूप बन जाने से लैगून लेक्स का निर्माण हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, लैगून का पानी उड़ गया तो लैगून मैदान भी बन सकते हैं, तो लूप से ही बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, नदी का पानी इसमें जमा हो गया और ये बालू की जो एक प्रकार से आप देख रहे हैं स्तूप बना हुआ है, सैंड ड्यून बना हुआ है समुद्री किनारे पर, और नदी का पानी इसमें रुक गया है, तो वहाँ पर आपको फ्रेश लूप्स भी, फ्रेश लैगून्स भी आपको मिलता है। जैसे कि हम लोग आंध्र प्रदेश में कोलोरू लेक नदी के द्वारा निर्मित और मीठे पानी का फ्रेश लेक है, कृष्णा नदी से बना हुआ। तो ये सब हम लोग देख पा रहे हैं। लूप्स क्या है, लूप्स कुछ नहीं है, यही हुक आगे जाकर फिर से तट से जुड़ जाए, लूप बन जाता है। कभी कभी देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर रॉक्स है, यहाँ पे सैंड जमा हुआ, ऐसे जमा हो गया सैंड, तो इसी रॉक्स के साथ भी आपको लूप्स दिख सकता है। सुदूर किनारे पर एक कोई बीच में चट्टान है, बालू का एक देखिए यहाँ से एक रिंग आया और उसी पत्थर का दूसरे छोर को ज्वाइंट करेगा, तो वहाँ भी आपको लूप मिलेंगे, छल्लादार लूप भी मिलते हैं। लैगून हम लोगों ने समझ ही लिया, लैगून क्या होता है, वही जब हुक्स आगे बढ़ता चला जाए और तट से लग जाए, तो उसमें समुद्र का पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है, या कोई नदी का पानी हो वो ड्यून से अलग हो जाए, तो उस तरह से हम लोग को लैगून मिल जाता है। जैसे केरला वगैरह में अष्टभुजी लेक वगैरह है, इस तरह से अलग हो
पुलिकट लेक है, चिल्का लेक है, ये दोनों सागर का ही पानी अलग हो गया। जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकट लेक आप देखेंगे, कुछ प्रकार का लैगून लेक है, चिल्का लेक लैगून लेक है, वो समुद्र का पानी अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग जान गए। अब जरा सा देखिए, एक यहाँ पर हेडलैंड है, खादी का लैंड, इसको एक स्पीड जोड़ दे रहा है। तो जो स्पीड यही आकर आगे जो हेडलैंड से तट को जोड़ दिया, इसी को जोड़ने को ही स्पीड आकर एक हेडलैंड जो सुदूर किनारा में यानी सागरीय भाग में चट्टान था और तट से वो स्पीड लाकर जोड़ दिया, तो वही जो कनेक्टिंग स्पीड है जो तट से रॉक्स को जोड़ दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्टिंग बार भी कह देते हैं और यही टोंगोलो भी कहलाता है। तो कनेक्टिंग बार क्या टोंगोलो को भी हम लोग जान रहे क्या होता है कनेक्टिंग बार या टोंगोलो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, दो ऐसे बड़ा हुआ बीचेस था, उस बीच को एक बैरियर या बार जोड़ दिया, ये क्या हो गया, कनेक्टिंग बार्स हो गया। यानी दो बीचेज निकले हुए थे ऐसे आगे की तरफ और उसको बालू सैंडियंस वगैरह दोनों बीचेज का जो ये निकला हुआ आवर निकला हुआ भाग है इनको जोड़ दे तो कनेक्टिंग बार आ गया। और ये मान लीजिए कि कनेक्टिंग बार कहीं से स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो और उसमें सागर का जल अंदर जाता हुआ दिखेगा तो ये टाइडल इनलेट्स या ज्वारीय प्रवेशिका बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग टाइडल इनलेट्स भी देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये तट से आगे टोंगोलो बना हुआ है, तट से लगा हुआ या स्पीड बना हुआ है, सिटी मान लीजिए तट से आगे बढ़ा हुआ एक स्पीड है और स्पीड के दोनों तरफ कुछ इस तरह का फेंस दिख रहा है जिसको हम लोग टोंगोलो भी कह सकते हैं। तो स्पीड के दोनों तरफ आपको दोनों तरफ डायना टाइप का पंखा का जो फैन का वो होता है डायना जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरह का दिखे तो उसको हम लोग विंग के हेडलैंड भी कहते हैं। पंखा युक्त शीर्षस्थर, ये एक शीर्षस्थर बन गया है स्पीड के रूप में और उसके दोनों साइड में इस तरह का हम लोगों को टोंगोलो दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी को हम लोग विंग का मतलब एक पंखा हो गया, विंग हेडलैंड या पंखा युक्त शीर्षस्थर बन जाते हैं। ये हम लोग को दिखा क्या अभी हमने यहाँ पर लिखा था लैगून तो समझ ही गए, कनेक्टिंग बार कर दिया तो वो लैगून बन गया या लू बन गया तो भी लैगून बन गया, टूट गया अगर ये ड्राई हो गया जल यहाँ पर सूख गया तो लैगून प्लेन भी बन जाएंगे। तो ये सब हम लोग देख पाए। इसी प्रकार से वर्ड है सबाखा क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जहाँ पर ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं यानी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं और सागर का किनारा भी उसके साथ लगा हो, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर बालू वगैरह का नीचे भी बालू वगैरह का टीला टाइप का आपको मिल जाएगा जिसको हम लोग सबाखा कहते हैं। तो ये शुष्क उसमें कटिबंधीय भागों में अक्सर दिखते हैं। ये सपाट नीचे पे जनित तटों को कहा जाता है यानी शुष्क उसमें कटिबंधीय तटों पर सपाट के यानी फ्लैट नीचे जनित तटों को वहाँ पर नीचे हो गया है, इसी को हम लोग सबाखा या साल्ट फ्लैट। तो ये हम लोग को दिख लिया कि शुष्क उसमें कटिबंधीय भाग होगा यानी वो एक तरह से मरुस्थलीय एरिया होगा वहाँ पर निक्षेप जनित तटों को यानी वहाँ डिपोजिट होगा सैंड वगैरह, उसी को हम लोग साल्ट फ्लैट या सबखास कहते हैं। सबखास यह पूर्णतः चौरस होता है, बंजर टाइप का कटीय भाग होता है और ये आपको मिस्र में यूएई में
यूएसए के कैलिफोर्निया वाले सेक्टर में, मेक्सिको में, इस तरह इनके तटों के किनारे सवाखा मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के बारे में पूरा खत्म कर लिया। कहीं समझ नहीं क्या होता है, सारे पॉइंट देख लिया। ज्वारीय प्रवेश क्या होता है, कनेक्टिंग बार्स में ही ब्रेक हो जाए, टूट हो जाए और उसमें से सागर का पानी अंदर जाए, इसी से टाइडल इनलेट या ज्वारीय प्रवेश का इसी को हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। तो इस तरह से हम लोग का निक्षेप जनित स्थलाकृति का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सागर के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा जो निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।